सर, मेरा ऐसा मानना है कि प्यादा जो है ना वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। धीमे धीमे चलता है और उसमें इतनी काबिलियत होती है कि वो राजा को भी मार के देता है। इन ऑल ऑनेस्टी द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीस इज द पॉन, क्योंकि इट इज एक्चुअली द सोल्जर दैट कैन डिफीट। शतरंज का खेल आप इन दिनों खेलते हैं कभी? यानी कभी खेला है मैंने शतरंज? जी, कभी दोस्तों के साथ। जी 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 बिल्कुल। तो कौन सा ऐसा, जैसे प्यादे हुए, वजीर हुआ, उसी में रानी भी होती है, किसकी किसका महत्व सबसे ज्यादा होता है इस खेल में? सर, मेरा ऐसा मानना है कि प्यादा जो है ना वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसका कारण सर आपसे? धीमे धीमे चलता है और उसमें इतनी काबिलियत होती है कि वो राजा को भी मात दे देता है। और फरहान, सेम क्वेश्चन आपसे भी जानना चाहेंगे कि फिल्म से पहले इसका एक मैं ऐड करूंगा कि धीरे धीरे चलता है लेकिन जब वो आखिरी खाने पे पहुंचता है तो वो वजीर बन जाता है, फिर बादशाह को हरा देता है। सर, अभी सब लोग हंस रहे हैं लेकिन जब फिल्म आप देखेंगे तो जो इन्होंने कहा उसका असली जो मतलब है वो आपको पता चलेगा। फरहान, आप खेलते हैं और कुछ थोड़ी बहुत कहानी इसके अंदर छुपी हुई है जी, वो अल्फाज से पता चल गया सर। हाँ, खेलता हूँ शतरंज और मुझे याद है जब बचपन में जब मैं सीख रहा था तो सबसे जो फैसिनेटिंग था मेरे लिए वो था घोड़ा जो ढाई गज चलता है। तो बाकी सब मतलब सीधे चलते हैं या डायगनली चलते हैं, मगर ये एक नॉवल सा एक पीस था। तो आई शुड बी वेरी फैसिनेटेड बाय द हॉर्स, लेकिन मैं बिल्कुल यही मानूंगा कि इन ऑल ऑनेस्टी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीस इज द पॉन, क्योंकि इट इज एक्चुअली द सोल्जर दैट कैन डिफीट द किंग। It's been reported that John and Neil Nitin play cameos in the movie. And is that true? Well, you just saw them. Exactly. And yeah. I was quite surprised that you have, you know, kind of shown them. Well, they both play kind of pivotal roles in the film. I wouldn't want to discuss much about that because the film is, going to be releasing much later. So I would kind of wait to kind of watch out. But they both definitely have it's a special appearance, but still they both have quite a pivotal role in the film. Thank you so much. कहानी के अंतर्गत ऐसी एक अवस्था आ जाती है जहाँ मेरी टांगें नहीं हैं और पूरी फिल्म में मुझे जितना भी काम मिला है वो कुर्सी के ऊपर है, एक व्हील चेयर के ऊपर है, दोनों मेरी टांगें गायब हैं। जब ये कुर्सी की बात आई तो मुझे लगा ठीक है, व्हील चेयर है, उस पर जाके बैठ जाएंगे और काम करेंगे। लेकिन 3-4 महीने पहले से ये तरह तरह के विभिन्न प्रकार की कुर्सियां जो हैं वो मेरे सामने प्रकट करते थे और कहते थे इस पे बैठो, इसको आगे चलाओ, पीछे चलाओ, दाएं तरफ लो, बाएं तरफ लो, घूम जाओ। बहुत सारा इसमें उन्होंने अपना समय बिताया और अंत में जाकर के एक कुर्सी चुनी गई जिसे आप देखेंगे फिल्म में। क्योंकि हमारी टांगें हैं भाग्यवश, इसलिए बहुत सारा विजुअल VFX कहते हैं शायद उसे, या उसके ज़रिए उसको छिपाना पड़ता है। और तरकीब ये होती है कि यहाँ से यहाँ तक एक काला मोज़ा पहनना पड़ता है, उसके ऊपर ऐसे सफ़ेद रंग के क्रॉसेस बने होते हैं जो कि VFX वाले उसे देखते हैं। यहाँ पर पजामा जो या पैंट हो उसकी गांठ बांध देते हैं ताकि लगे कि ये एक स्टंप है, और उसके बाद वो VFX में यहाँ से यहाँ तक का जितना पोर्शन है वो गायब कर देते हैं। इस तरह हमने उसमें काम किया। कई ऐसे दृश्य थे जहाँ पर मुझे लेट करके काम करना था या फिल्म आना था, तो उसमें एक अलग तरह का पलंग बनता था जिसमें अगर मैं बिस्तर पे यूं बैठा हूँ बिस्तर के ऊपर तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा छेद कर दिया जाता था जिसके अंदर मेरी टांग चली जाती थी और ऊपर से फिर कंबल रजाई वगैरह ओढ़ लेते थे। इस तरह करके हमें काम करना पड़ा। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर योर पेशेंस, फॉर योर टाइम एंड आस्किंग अस फ्यू क्वेश्चंस अबाउट वजीर। थैंक यू। We'll be right back.